तब कैमरा आम नहीं था और सीसीटीवी आम होने वाला था। इसीलिए जब जेसिका लाल पर मनु शर्मा ने पिस्तौल तानी और गोली चलाई तो तस्वीरें सामने नहीं आई। पर तमंचे के साथ ये तस्वीर बता रही है कि तब भी कुछ ऐसा ही मंजर रहा होगा। ऐसे ही मनु शर्मा ने तमंचा थामा होगा, ऐसे ही जेसिका लाल को धमकाया होगा और फिर गोली दाग दी होगी। पर शुक्र है यहां तमंचे का मुंह जमीन की तरफ है, ट्रिगर पर उंगली जरूर है पर ट्रिगर दबाया नहीं गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। पिंक पैंट में ये एक अकेला शोहदा पूरी दिल्ली को तमंचे की नोक पर रखे हुए है। नशे में है फिर भी खुलेआम तमंचा लहरा रहा है, धमका रहा है, गाली दे रहा है, जान से मारने की बात कह रहा है और आसपास खड़े लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम है। सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद है, होटल के स्टाफ भी मौजूद, पर सबको अपनी जान की फिक्र है। आलीशान होटल के पोर्च के बाहर आलीशान कार में शोहदे के साथ तीन तीन लड़कियां बैठी हैं। एक तो ये भी कह रही है कि डोंट फायर, डोंट फायर। दौलत, ताकत और शराब का नशा एक साथ सिर चढ़कर बोल रहा है। लखनऊ की शान तक में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। होगी दिल्ली सत्ता का केंद्र, चलती होगी दिल्ली से हिंदुस्तान की हुकूमत, बसते होंगे दिल्ली में सबसे ताकतवर नेता, पर कोई कहीं से भी आकर दिल्ली को अपने तमंचे की नोक पर यूं भी रख सकता है और फिर दिल्ली को डरा धमका कर आसानी से खिसक भी सकता है। कम से कम ये तस्वीरें तो यही चोगली खा रही है। तेरह और 14 अक्टूबर की रात सुबह 3:30 बजे पी लेवल गेस्ट एलिवेटर एरिया होटल हयात रिजेंसी आर के पुरम दिल्ली। दिल्ली के इस आलीशान 5 सितारा होटल में अचानक एक लड़की की तबीयत बिगड़ जाती है, वो उल्टियां करने लगती है। लड़की की इस हालत को देख उसका साथी उसे होटल के पी लेवल गेस्ट एलिवेटर एरिया में मौजूद लेडीज वॉशरूम की तरफ ले जाता है। लड़की इस हालत में नहीं थी कि वो अपने पैरों पर चलकर अकेले वॉशरूम तक जा पाती, लिहाजा उसका साथी उसे सहारा देकर वॉशरूम के अंदर तक ले जाता है। पर अंदर वॉशरूम में तीन लड़कियां एक लड़के को लेडीज वॉशरूम में देखकर बिफर जाती हैं, वो उसे टोकती और डांटती हैं। तब तक लड़के को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो फौरन वॉशरूम से बाहर आ जाता है। कुछ देर बाद लड़की की तबीयत भी संभल जाती है, फिर दोनों होटल के बाहर पोर्च में आते हैं। बाहर आने पर वो देखते हैं कि वही तीनों लड़कियां पोर्च में मौजूद हैं, उनके साथ दो और लड़के थे, शायद वो सभी इन दोनों का इंतजार कर रहे थे। तड़के 3:40 दोनों लड़के लड़की पोर्च में आकर बाईं तरफ खड़े होते ही हैं कि तभी काली शर्ट और पिंक पैंट में एक शख्स अपने दाहिने हाथ में पिस्टल लिए उनके करीब आता है। पिस्टल देख होटल के दो स्टाफ भी अचानक उसके करीब बढ़ते हैं, जबकि दो स्टाफ ऊपर सीढ़ियों पर खड़े उसे देख रहे थे। पिंक पैंट वाला शख्स हाथों में पिस्टल लिए लड़के से कुछ कहता है, उसके तेवर ठीक नहीं लग रहे थे। इसी बीच लड़की पिस्टल लिए शख्स को हाथों से हल्के से धक्का देकर दूर करने की कोशिश करती है। अब पिस्टल लिए शख्स अपने कदम पीछे खींचता है, इसी बीच उसके पीछे से अचानक उसकी महिला साथी आती है और लड़के लड़की को उंगली दिखाकर गालियों में धमकाती है। फिर तभी एक और शख्स कैमरे में आता है, ये पिस्टल वाले शख्स का साथी था, वो उसे लगभग थकियाते हुए कार की तरफ ले जाता है। अब गाली देकर धमकाने वाली लड़की भी कार में आकर बैठ जाती है। कैमरा दिखाता है
कि कार में पहले से ही दो और लड़कियां बैठी हैं और उन्हीं में से एक लड़की अपने मोबाइल से ये तमाम वीडियो बना रही है। इस बीच पिंक पैंट वाला शख्स भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। मगर बाहर खड़ी लड़की फिर कुछ कहती है। इस पर पिस्टल लिए शख्स फिर से कार से बाहर निकल आता है, मगर उसका साथी और लड़कियां उसे समझाती हैं, तो वो वापस ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। चलो ना प्लीज आशीष, चलो बताता। इसके बाद आखिरी बार वो तबीयत से गालियों में धमकी देते हुए कल मिलने की बात कहकर पिस्टल को अपनी सीट के पास ही रखता है और कार स्टार्ट कर वहां से निकल लेता है। कार में मौजूद तीनों लड़कियां अब भी लगातार हंस रही थी। दरअसल जांच में बात सामने आई है कि जो इस मामले में आरोपी आशीष, उसके पास लाइसेंसी हथियार था और ये हथियार यूपी से जारी हुआ है। और जाहिर तौर पर वैसे में पुलिस जो है इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है, उसको खोजने की तमाम कोशिशें की जा रही है। लखनऊ में कई ठिकानों पर उसकी छापेमारी की गई है, लेकिन आशीष का अभी कुछ भी अता पता नहीं है। साथ साथ एयरपोर्ट पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, LOC जो है वो इशू कर दी गई है। यानी जो पुलिस है वो तमाम कवायद कर रही है कि वो पुलिस के सामने पेश हो और अपना पक्ष रखे, लेकिन वो अभी फरार है, यानी आशीष फरार है और कई टीमें जो बना दी गई है उसको पकड़ने के लिए। करीब 500 किलोमीटर का सफर तय कर ये पिंक पतलून वाले भाई साहब 5-स्टार होटल में मैदान पोत के क्रांति लिखने इसलिए आए क्योंकि इन्हें बहुत गुरूर है अपने लखनऊ का होने पर, पिता के पूर्व सांसद होने पर, चाचा के बाहुबली नेता होने पर और भाई के विधायक होने पर और आखिर में खुद के रसूखदार रईस बिल्डर होने पर। नशे में धुत तमंचा लहराने वाले भाई साहब अकबरपुर से BSP के पूर्व सांसद राकेश पांडे के बेटे आशीष पांडे हैं। इनके चाचा पवन पांडे यूपी के बाहुबली नेताओं में शुमार होते हैं और शिवसेना से विधायक रह चुके हैं। भाई रितेश पांडे जलालपुर से बसपा विधायक है। कुल मिलाकर रसूखदार परिवार है तो इन्हें ऑटोमेटिक लाइसेंस मिल गया गुंडई दिखाने का, वो भी राजधानी दिल्ली में। हालांकि पीड़ित पक्ष ने यह कहते हुए मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया है कि वो इस मामले को तूल देकर अपने परिवार पर संकट नहीं लाना चाहते। इस वाक्या के बाद मेरा पूरा परिवार सदमे में है और हम लोग बहुत ज़्यादा सदमे में हैं। हमने जो भी बात अपनी कहनी थी दिल्ली पुलिस को हम कह चुके हैं। 14 तारीख की सुबह पूर्व सांसद जी के बिगड़ैल साहबजादे ने कांड किया। 15 अक्टूबर तक वीडियो वायरल हो गया और 16 अक्टूबर को पुलिस पांडे जी को पकड़ने वहीं लखनऊ पहुंच गई जहां की ये थौंस दे रहे थे। मगर बंदूकबाज पांडे घर में मिले ही नहीं, पता चला कि वो 15 तारीख से ही फरार है। इसी अपार्टमेंट में इस बी ब्लॉक के 301 और 302 नंबर जो फ्लैट है यही उनका घर है, इसमें परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह से ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद से वो इस घर से निकलकर कहीं जा चुके हैं। जी, हमने जब मीडिया पे देखा तो हमने घर पे फ़ोन किया, मेरी आशीष से भी बात हुई। मैंने पूछा कि ये TV पे जो चल रहा है ये क्या मसला है, तो उसने बताया कि मैं होटल से निकल रहा था तभी टॉयलेट के तरफ से, जो टॉयलेट एकदम बाहर है होटल से बाहर है, उससे आवाज़ एक लड़की की आई जो इसकी परिचित थी, उधर गई थी तो उसमें एक जेंट्स था, उसको बाद में ये लोग बाता कहनी होने लगी और उसने कुछ अपशब्द इसको कहे। तो ये गाड़ी पे बैठा था, चूंकि अकेला था तो इसने अपनी रिवाल्वर उठाया, लाइसेंसी रिवाल्वर है और उसको पीछे कोई उसका मोटिव किसी को मारने का नहीं था। मगर दिल्ली पुलिस ने भी तय कर लिया है के पांडे की तमाम गुंडई निकाल के ही रहेगी, लिहाजा अपने रसूख का फायदा उठाकर आशीष पांडे कहीं विदेश न फरार हो जाए, इसलिए देश के हर एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ पूरे कोऑर्डिनेशन में हम लोग हैं और जो भी सूचना इस व्यक्ति के बारे में है उनके साथ शेयर की गई है। इसके साथ साथ ये अंदेशा भी व्यक्त किया जा रहा था कि ये व्यक्ति देश छोड़ सकता है, इस सूचना के आधार पर पूरे देश के एयरपोर्ट्स पर इसकी LOC खुलवा दी गई है।
फिलहाल वीडियो को आधार बनाकर पुलिस ने धारा 506 यानी धमकाने, 341 यानी रास्ते में हंगामा करने या मारपीट करने और 354 यानी महिला के साथ छेड़छाड़ करने के तहत बंदूकबाज आशीष पांडे पर मामला दर्ज कर लिया है और इसके तमाम संभावित ठिकानों पर दबिश डाली जा रही है। उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही इसे अपनी गिरफ्त में ले लेगी और इसके सिर पर सवार रसूख का भूत उतार देगी। उसको ये गुंडागर्दी विरासत में मिली है क्योंकि उसके पिता और चाचा का अंबेडकर नगर के साथ ही पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाहुबल का जलवा है और शायद इसी बाहुबल के जरिए उसने दिल्ली के 5-स्टार होटल में न केवल हथियार लहराया बल्कि जमकर गाली गलौज और हंगामा भी किया।